नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। मेरे भैयाओं, सबसे पहले तो आप सभी को कल 5 मई है, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और लेकिन कुछ भैयाओं की क्वेरी जा रही हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर्स भी भेज दिए हैं, एक मैंने आपको लाइव वीडियो क्लास भी करा दी थी, उसकी जो सीट है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। आपके ग्रुप्स में उसका पीडीएफ भेज दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे सैम्पल पेपर्स और वो जो मैंने वीडियो लाइव कराई थी अभी 2 दिन पहले, उसके सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ ये मैं लिख करके आपको दे सकता हूँ। निश्चित रूप से 60-70% क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में फंस जाएंगे, ये आप निश्चित मानिए। 60-70% क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से फंस जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर हम पेपर को करें कैसे। मेरे पास बहुत सारे भैयाओं की क्वेरी जा रही है कि सर मैं रफ वर्क कहाँ पर करूँ, सर मुझे स्टार्टिंग कौन से सेक्शन से करनी है, सर बड़ी घबराहट हो रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डोंट वरी बी हैप्पी, ये स्लोगन याद रखिए। जब भी आपको लगे कि थोड़ी सी घबराहट हो रही है, लेफ्ट हैंड पर हाथ रखिए, ऑल इज वेल बोलिए, ऑल इज वेल, ठीक है। सो डोंट वरी बी हैप्पी, मैं हूँ आपके साथ में। आपको बता रहा हूँ जो जो आपकी क्वेरीज है कि भाई कैसे आपको क्या क्या करना है, कहाँ से पेपर की स्टार्टिंग करनी है, पेपर का फॉर्मेट क्या है, वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका जो पेपर है वो भाई 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने पेपर में बटा हुआ है, ये आपकी ये मेरा पूरा पेपर है, ठीक है, ये मेरा पूरा पेपर है। अब ये जो पेपर है मेरा 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये हमारे 3 हिस्से हैं, ठीक है। अब आपको देखिए, ये जो सेक्शन ए है ये 2 मार्क्स का है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये कितने नंबर का हो गया जी, 12 नंबर का हो गया। सेक्शन बी जो है आपका, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 मार्क्स की क्वेश्चन आएंगे और इसमें जो है टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 4। तो ये वाला पोर्शन आपका कितने नंबर का हो गया जी, ये भी आपका 12 नंबर का हो गया। सेक्शन बी भी आपका 12 नंबर का हो गया। अब हम बात करते हैं सर सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो प्रत्येक क्वेश्चन आना है वो 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे और इसकी वेटेज कितनी हो गई, 16 नंबर। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज आपका सेक्शन सी का है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 ये आपको ध्यान रखना है, 1 टू 6 दो नंबर के। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपके 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये तो आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये दोनों क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड आएंगे। कैसे आएंगे जी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके ये 2। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और प्रत्येक पार्ट 2 नंबर का होगा, तो यानी 4 नंबर का ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 1 पार्ट 2 ये आएंगे और ये भी 2 नंबर के, ये दोनों 4 नंबर के, ऐसे करके 16 नंबर का। अब बात ये तो होगी आपके पूरे पेपर की फॉर्मेट की, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। अब आगे की बात आ गई भाई आपकी कि आपको करना कौन सा पेपर स्टार्ट है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सेक्शन ए से करें, सेक्शन बी से करें, सेक्शन सी से करें। आपको वेटेज पता चल गया, तो जनरली अपने पास में 16 नंबर का कौन सा है, सेक्शन सी है। अब जो बहुत ज़्यादा जिनका पेपर क्लियर है उनके लिए मैं राय दूंगा वो सेक्शन सी से स्टार्ट करें, लेकिन उससे भी पहले जो आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दी गई हैं
15 मिनट रीडिंग के लिए दे रखी हैं, 15 मिनट पूरा कम्प्लीटली पेशेंसली रीड करना है आपको क्वेश्चन पेपर को। उस समय आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर को केवल और केवल रीड करना है, पढ़ना है और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। पेन उठा करके अलग रख दीजिएगा, डोंट वरी बी हैप्पी, यानी 15 मिनट पूरे पढ़ने पेपर को। अब क्या करना पढ़ने के समय पर क्या करना, पेंसिल हाथ में उठा लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आने का, बिल्कुल से आपको जो क्वेश्चन आपका एकदम से क्लियर है उसको आपको क्या कर लेने का है, ऐसे करके डॉट लगा दीजिए उस पर कि भाई इट्स माई क्लियर, या फिर आप उस पर स्टार बना दीजिए, हल्का सा पेंसिल से स्टार बना लो कि भाई ये मेरा बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो आपको डाउटफुल लग रहा हो, यार इसका ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, ये जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको यार मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। सो डोंट वरी, आप उसको ना हल्का सा ऐसे करके कर दीजिए, यू मार्क कर लीजिए, एक मार्क उसमें लगा दीजिए, हल्का सा, बहुत हल्का सा, ठीक है, पेंसिल से। अब जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा उस पर डॉट लगा दो या उसको खाली छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, हाँ जी। तो इस ड्यूरेशन में ये आपका जो 15 मिनट का वर्क है उसमें आपको टोटली यही वाला काम करना और कुछ काम नहीं करने का, ठीक है। अब क्या करना है साहब, अब वो समझ लीजिए। सेक्शन ए को स्टार्ट करें, सेक्शन बी को स्टार्ट करें या फिर सेक्शन सी को स्टार्ट करें, मेन चीज ये है। तो जिनका बहुत अच्छा पेपर पूरा क्लियर है तो वो सेक्शन सी से करें, जिनका नहीं है, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि सर मैं सेक्शन सी में बड़ा क्वेश्चन आएगा, मैं उसको कर नहीं पाऊंगा, तो फिर आप स्टार्टिंग सेक्शन ए से करिए। अब उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है कि जैसे मान लो आपने सेक्शन सी का क्वेश्चन किया, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के आप बैठ गए, साहब सेक्शन सी भी डाल दिया और क्वेश्चन नंबर 11 आपने कर लिया, लेकिन करते करते क्या आया, वो क्वेश्चन नंबर 11 आया ही नहीं, बाद में आकर के ऐसे ही सर्कमस्टांसेस बन गए कि आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, तो फिर आप क्या करेंगे, कट लगा देंगे। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा होगा और पहला ही पेज कटा हुआ दिख जाएगा तो क्या इम्प्रेशन उसके माइंड पर जाएगा, यार ये भोंदू टाइप का लड़का है, है? तो ऐसी गलती नहीं करनी, जो आपको बिल्कुल क्लियर है, चाहे फिर वो सेक्शन ए का क्लियर हो, चाहे वो सेक्शन बी का क्लियर हो, चाहे वो आपको सेक्शन सी का क्लियर हो। मान लीजिए आपको सेक्शन ए के 6 के 6 प्रश्न क्लियर है, ज़्यादातर उसकी परसेंटेज ज़्यादा, तो सेक्शन ए को करिए, सेक्शन बी के ज़्यादा क्लियर हो रहे तो सेक्शन बी को करिए, ठीक है ना। और सेक्शन सी आपका पूरा क्लियर है तो स्टार्टिंग सेक्शन सी से। सेक्शन सी को मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे करते हैं क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स उसकी एडवाइस क्यों देती हैं, क्योंकि लास्ट का जो टाइम होता है उसमें ज़्यादातर टीचर्स का भी मानना ये होता है, बच्चों का भी मानना ये होता है, मेरा भी यही मानना होता है कि भाई जो सेक्शन सी है वो क्वेश्चन 4 नंबर का है और लास्ट में आपके पास समय कम बचा तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन कम समय की होने की वजह से, हौच पौच की वजह से रहा भी उड़ जाएगा। 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 50% कराएंगे तो 1 नंबर तो मिलेगा, सेक्शन सी का बटन ज़्यादा होता है 4 नंबर के क्वेश्चन का। इसलिए ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में आप सेक्शन सी को करिए, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि जो एकदम से बिल्कुल क्लियर है, जो आपका एकदम से क्लियर सेक्शन है उसको करिएगा। ये तो बात रही आपके पेपर की कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने आपको पेपर का पूरा फॉर्मेट बता दिया कि भाई कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कितने से कितने तक का है, ठीक है। अब समझ लीजिए एक दूसरी चीज कहाँ आती है, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया और उसमें कई बार यूनिट्स होती हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है अ वोट इज अ पर्सन इज साइकिलिंग एट द दिस रेट एंड एट दिस रेट, किलोमीटर पर आवर दे रखा है, कहीं पर मीटर पर आवर दे रखा है, या फिर कहीं पर जैसे सिलेंडर के और क्यूब की और कोन की साइड्स दे रखी हैं, एक ही क्वेश्चन में डबल फिगर है, और मान लीजिए कि उसके तो दे रखे हैं मीटर में सिलेंडर के, और जो कोन कन्वर्टेड होकर के आ रहा है वो दे रखी है आपको सेंटीमीटर में। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना, क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तो उसकी जो यूनिट्स है ना,
जैसे एक जगह किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, एक जगह मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो उनको आप क्या करना, अंडरलाइन कर लीजिएगा पढ़ते समय जब आपका रीडिंग टाइम हो 15 मिनट का। ऐसे ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है। मोस्टली ये दो चैप्टर ऐसे हैं जहाँ आपकी यूनिट्स यूज होएंगी इस वाली इसमें, है ना, टर्म टू के एग्जाम में। तो जहाँ जहाँ यूनिट्स हैं उनको अंडर मार्क कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जो अंडरलाइन है ये आपको क्लिक करेंगी आपके माइंड पर कि यार मुझको ये चेंज करनी है, क्योंकि यूनिट सेम होएंगी तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, यूनिट सेम करनी भी, ये वाली चीज़। एक चीज़ आपको क्या रखनी है कि आंसर लिखते समय, क्या करते समय, आंसर लिखते समय आपको, मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, या मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया एपी का और उसमें 15th टर्म पूछा था, तो आपका 15th टर्म मान लीजिए 120 आ चुका है, सपोज दैट किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आ गया भाई आपका ए 15, तो आप क्या करेंगे लास्ट में आंसर को ए 15 इक्वल्स टू 120। अब जनरली हम करते क्या हैं, आंसर लिख दिया ना, ये नहीं करना, ये बॉक्स के अंदर आंसर को हाईलाइट करके आना बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, या फिर सर्कल बना दीजिए, बेटर रहता है बॉक्स बना करके हाईलाइट करना आंसर को, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आपको रखनी, ध्यान में रखनी है कि भाई आंसर को हमें समराइज कैसे करना है, तो बॉक्स बना करके जरूर लिखना, ठीक है। ये हो गई आंसर देने की बात। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। किसकी बात करूँगा भाई, मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँगा आपके साथ में। तो देखिए हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट हमको कैसे करना है वो आप समझ लीजिए भाई, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। आपका पेपर कितने घंटे का है, 2 घंटे का, 2 आवर्स, 2 आवर्स बोले तो 120 मिनट्स, 120 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का है। अब मान लीजिए कि हम इसमें से लास्ट के 15 मिनट या 20 मिनट को निकाल दें लास्ट वाले, ठीक है ना। ये 1 से 20 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के मिल रहे, रीड वाले 15 मिनट अलग हैं, मैं इसमें से और 15-20 मिनट निकाल देता हूँ क्योंकि लास्ट में आपको पूरा पेपर चेकअप भी करना है। तो सपोज दैट आपके पास 100 मिनट बचे, कितने मिनट बचे जी, 100 मिनट, तो 40 नंबर को आप 100 मिनट में डिवाइड करिए तो 2.5 मिनट बचेंगी एक नंबर के प्रश्न के लिए, यानी एक नंबर अचीव करने के लिए आपको कितना हो गया जी, 2.5 मिनट हो गया। कितना मिनट का समय चाहिए, 2.5 मिनट का समय चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास में टाइम कितना है, 2 × 2.5 यानी 5 मिनट है आपके पास। और सेक्शन ए में कितने मिनट आ रहे हैं, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6। सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन हैं, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन, तो इंटू 5 मिनट तो कितना हो गया जी, 30 मिनट का समय आपको सेक्शन ए में देना है। ये ध्यान कर लीजिए, ये आप इंश्योर कर लीजिए कि मुझको सेक्शन ए 30 मिनट में ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। ऐसे ही सेक्शन बी, सेक्शन बी की बात करूं मैं तो सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4। कितने आ रहे हैं जी, 4 आ रहे हैं। और सेक्शन बी का प्रश्न कितने मिनट का है, 3 मिनट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 × 2.5 करिए आप, तो यानी एक प्रश्न को करने के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, 7.5 मिनट। सेक्शन बी का प्रश्न सॉल्व करने के लिए कितने मिनट का समय मिल रहा है, 7.5 मिनट का। 4 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट का समय हो गया, 30 मिनट आपकी यहाँ हो गई। यानी सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगाना आपको, 20-30 मिनट लगानी। अब यहाँ पर आ जाइए भाई, 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 2.5 मिनट एक क्वेश्चन को चाहिए, तो कितना हो गया आपका, 10 मिनट। सेक्शन सी के एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 मिनट मिल रहे, बहुत समय होता है 10 मिनट का समय, तो सेक्शन सी को आपको कितने मिनट में ख़त्म करना है, सेक्शन सी को आपको कितने मिनट में ख़त्म करना है जी, सेक्शन सी में क्वेश्चन कितने हैं, 4 × 10 मिनट है ना, तो कितना हो गया, 40 मिनट। ये आपको ध्यान रखना है, घड़ी हाथ में हो आपके में,
घड़ी को खोल करके आगे रख लीजिएगा अपनी तरफ करके, टिक 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 चलती रहेगी, ध्यान आपके रहेगा या माइंड में क्लिक करता रहेगा, ये पूरा टाइम मैनेजमेंट। अब जो लास्ट के 15-20 मिनट हैं उनका पूरा पूरा यूज आपको जो आपने किया है पूरा पढ़ने का, आज जो बच्चे पूरी प्लानिंग के साथ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए टाइम मैनेजमेंट का, आज का दिन आपके पास है, कल सुबह 8 बजे तक का टाइम आपके पास है, पूरी प्रैक्टिस आप इसी प्रकार से करिए। आज आपको मैं 2 सैंपल भेजने वाला हूँ, उनको भी करिए। पीछे के जो क्वेश्चंस की मैंने अभी जो बात की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, सर्कल के, क्वाड्रेटिक के, स्टैटिक्स के जो मैंने क्वेश्चन भेजे, 60-70% क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में फंस जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है। ठीक है भैया, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धुआं कर दीजिए, आग लगा दीजिए कल के पेपर में, मैं आपके साथ में हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बच्चों का बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर हम रफ वर्क को कहाँ पर करें, रफ शीट कहाँ करें, तो जो आपकी कॉपी का सबसे लास्ट वाला पेज होगा लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, रफ वर्क लास्ट पेज पर करना है। किस पर करना है? लास्ट पेज पर, यह ध्यान रखिए। और उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में मेंशन कर दीजिए RUGHWORK, बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके आइए रफ वर्क। और कॉपी का जो सबसे लास्ट का पेज है उसके ऊपर करना, हर एक पेज पर नहीं करना। दूसरी चीज भाई, जो हमारा स्पेस है वो कैसे बनाएं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। लाइन खींचने में ज़्यादातर बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं। कॉपी को आगे की तरफ से स्केल के बराबर लेंथ लेकर के फोल्ड करिए, पीछे की तरफ से स्केल लगा करके फोल्ड कर दीजिए, सफिशियंट। अब समय बचता है तो लाइन खींचाओ, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया जी?